हमारे आज के एपिसोड के दूसरे केस में भी एक औरत की लाश मिली, लेकिन ये लाश ज्यादा वक्त तक लावारिस और बेनामी नहीं रही। एक छोटी सी बच्ची थी जो ये कह रही थी कि वो उस औरत को जानती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस केस की कई अनकही बातें थी। आइए देखते हैं आज का हमारा दूसरा केस। बेटा आपका नाम क्या है? जी। बच्चे आपको कहां पर मिली शिखा जी? जी मैं मॉर्निंग वॉक से लौट रही थी, तब ये मुझे रोड डिवाइडर पे पड़ी दिखाई दी। खोलो। मेरी जान में जान आई, वो सिर्फ सो रही थी। कौन हो आप बेटा? नाम क्या है आपका? यहाँ कैसे पहुंची आप? यहाँ क्यों सो रहे हो? अच्छा आओ मेरे पास आओ। घर कहाँ है आपका बेटा? और मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? मैं उसे तुरंत यहाँ ले आई सर। फैमिली से अलग हो गई होगी और रास्ता भटक गई होगी। चिटले मरून नेल पॉलिश और हाथ पर टैटू देखा? जी सर। उस औरत ने भी बिल्कुल इसी तरह की मरून कलर की नेल पॉलिश लगा रखी थी और उसके हाथ का टैटू का स्टाइल भी ऐसा ही है। उस औरत का फोटो चाहिए। यस सर। शिखा जी इस बच्ची को यहां लाकर आपने सही किया, हो सकता है इसके जरिए हम कुछ कड़ियां जोड़ लें। आप अपना एड्रेस और फोन नंबर लिख के देंगे? बेटा इन्हें पहचानती हो? बेटा पक्का ही आपकी आई है? बेटा आपकी आई के साथ कल कुछ हुआ था? काका ने कहा आई डॉक्टर के पास गई है। कौन काका बेटा? आई कहाँ है? आई डॉक्टर पास गई है बेटा। अब सो जाओ। सो जाओ। बेटा काका का नाम मालूम है? अच्छा घर किधर है? कुठे रहते तू? अच्छा बाबा किधर है? बाबा 5 साल की बच्ची कांची मुश्किल से 5 शब्द बोल पा रही थी। उसने बस अपनी मां की तस्वीर को पहचान लिया था जो दरअसल उसकी मां की लाश की तस्वीर थी। ये लाश पुलिस को उसी सुबह मिली थी जिसके कुछ ही देर बाद एक सतर्क नागरिक शिखा दास कांची को पुलिस स्टेशन लेकर आई थी।
आया भाई रूपा, भूत भूत देखा क्या सुबह सुबह? विजय दादा, वहाँ पे एक औरत। क्या हुआ औरत को? वहाँ पे एक औरत, औरत मरी पड़ी है। औरत मरी पड़ी है? सर, लगता है ये औरत गहने पहनती थी जो अब है नहीं इसके बदन पर। लगता है गला घोटा गया। इसके हाथ पे नाम का टैटू भी है सर, देवकी संभाजी मोरे। नहीं साहब, ये यहाँ की नहीं है। अगर होती तो अपन लोग फटाक से पहचान लेते। हाथ पर नाम गुदा है, देवकी संभाजी मोरे। इसका नाम देवकी है और संभाजी शायद इसके पति या पिता का नाम होगा। या आसपास चाली में कोई संभाजी मोरे रहता है? संभाजी मोरे? नहीं साहब, इधर कोई संभाजी मोरे नहीं रहता। और ये भी बाहर की है। ज्योति, इस बच्चे के खाने पीने का देख लो। जब तक इसका घर नहीं मिल जाता, हमें इसकी देखभाल करनी होगी। मौत स्ट्रैंगुलेशन के कारण हुई है। गले पर उंगलियों के निशान है। उम्र? 30 साल के आसपास। कल रात 10 के आसपास। राइट। इत्तेफाक की बात है डॉक्टर, आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने वाली एक औरत को एक बच्ची मिली। उसके हाथ पर भी ऐसा ही टैटू था और सेम नेल पॉलिश कलर। हमने चांस लिया और बच्ची को इसका फोटो दिखाया। बच्ची ने पहचान लिया। एक और बात है इंस्पेक्टर, ये मर्डर सेक्सुअल असॉल्ट के तुरंत बाद हुआ है। विक्टिम का रेप हुआ है इंस्पेक्टर। बेटा लो दूध पी लो। अच्छा, आपके लिए क्या मंगाऊं खाने को? आप चिप्स खाओगी, चॉकलेट खाओगी? बोलो बेटा, क्या खाओगी आप? बच्ची बहुत स्वीट है जय, एकदम छोटी सी। उसे तो ये भी नहीं पता कि पुलिस को उसकी माँ की लाश मिली है। वो ये भी नहीं जानती कि उसका घर कहाँ है। बोलती भी बहुत कम है। उसको जानबूझ के छोड़ दिया है लगता है किसी ने। और शुक्र करो कि जिंदा छोड़ा है। कांची नाम है उसका। पुलिस को उसकी माँ की लाश एक कचरे के डंप में से मिली थी। यार क्या हो गया इस शेर को? मतलब जब भी पेपर खोलो, न्यूज पढ़ो, हर दूसरे दिन किसी ना किसी की लाश मिल रही है कहीं ना कहीं से। इस शहर के लोगों की इंसानियत खत्म हो गई है क्या? मुझे तो उस बच्चे की फिक्र हो रही है। सर, हमने कांदीवली इलाके की सभी 64 बस्तियों को स्कैन किया है, कुछ नहीं मिला है। हर पुलिस स्टेशन की हर मिसिंग कंप्लेंट को स्कैन किया पर वहां भी कुछ नहीं मिला। वैसे एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर के ऑर्डर दे रही है मैंने। ये कोई ब्लाइंड केस नहीं है चितले। हमारे पास विक्टिम का नाम है, देवकी संभाजी मोरे। विक्टिम की बेटी हमारी कस्टडी में है। वैसे वो बच्ची कांची कैसी है अब? पहले जैसी है सर, एकदम चुपचाप। ज्योति और बाकी लेडी कांस्टेबल बारी बारी से उसकी देखभाल कर रही हैं। कांची, तेरे पापा क्या करते हैं? कुछ याद है तुझे? तुझे घर नहीं जाना? अच्छा चल, तू मुझे बता, तेरे घर पे कौन कौन है? दादा दादी, भाई बहन? हाँ, तुझे कुछ याद नहीं है? जो आदमी कांची को वहां छोड़कर गया वो उसका बाप तो नहीं है, वरना वो उसे काका नहीं बुलाती। एक तुक्का लगा रहा हूं सर, अगर हम आधार कार्ड के डेटाबेस को स्कैन करें तो, या फिर राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड्स। हाँ, नाम तो है हमारे पास, देवकी संभाजी मोरे। ये नाम कहीं ना कहीं तो रजिस्टर्ड होगा। देवकी मोरे स्कैन करो, संभाजी मोरे स्कैन करो, और सिर्फ मोरे भी स्कैन करो। कोई ना कोई लीड तो जरूर मिलेगी। हमें इस विक्टिम देवकी संभाजी मोरे के कातिल को ढूंढना है, और उसके रिश्तेदारों को भी, ताकि उसकी बेटी को अपने घर पहुंचाया जा सके, जो इस वक्त हमारी कस्टडी में बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह रही है।
क्या हुआ बेटा? जोर से फेंको बॉल, जोर से फेंको, फेंको। शाबाश, अब जाके लेके आओगी, ठीक है? जाओ, जल्दी से लेके आएगी, ठीक है? जल्दी से लेके आओ। ये क्या? सिर्फ 80,000? अभी इतना ही है मेरे पास। तेरे को बेचने का है तो बेच, नहीं तो वापस लेके जा। साहब, मुंबई म्यूनसिपल एरिया में कम से कम 542 मोरे रजिस्टर है। उनमें कोई संभाजी मोरे या देवकी मोरे? दो मिनट थामा साहब। नहीं सर, वोटर लिस्ट में कोई भी देवकी संभाजी मोरे रजिस्टर्ड तो नहीं है। मैं काम करता हूँ सर, जितने मोरे रजिस्टर्ड है मैं उनकी लिस्ट आपको दे देता हूँ। गुड बोले साहब, सर्च को मुंबई के बाहर ले जाए तो हो सकता है विक्टिम आउट ऑफ स्टेशन से थी। पुणे, सांगली, सतारा, नासिक ट्राई करें क्या? वैसे जरूरी नहीं बड़ा शहर ही हो, कोई छोटा गांव भी तो हो सकता है। मतलब ये कि हमें पूरे महाराष्ट्र की लिस्ट निकालनी पड़ेगी? मुंबई में तो स्कैनिंग का काम चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमें पूरे महाराष्ट्र की लिस्ट को स्कैन करना पड़ेगा। पण साहब, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए। गुड़ बोले साहब, इस औरत के बारे में हमें पता लगाना ही है। सर, आधार कार्ड ऑफिस ने सतारा में 3 संभाजी मोरे को ट्रैक किया है, पर इन तीनों में से कोई भी देवकी संभाजी मोरे को नहीं जानता। वोटर कार्ड ऑफिस में 4 संभाजी मोरे ट्रैक हुए हैं, 2 मुंबई में और 2 नासिक में, पर यहाँ भी इन चारों में से कोई भी देवकी संभाजी को नहीं जानता, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। राशन कार्ड ऑफिस क्या कहता है? ट्रैकिंग चल रही है सर। चितले, क्या यह हो सकता है कि ये औरत अपनी बच्ची के साथ महाराष्ट्र के बाहर से यहाँ आई थी और यहाँ पर इसके साथ ये हादसा हो गया? सर, लाश की तस्वीर और कांची की तस्वीर स्टेट के हर पुलिस स्टेशन में भेजती है, पर वहाँ से अभी तक कोई रेस्पॉन्स मिला नहीं है। अगर चाहें तो स्टेट के बाहर भी भेज सकते हैं, गुजरात एमपी से शुरू करते हैं, शायद उसके पहले ही कोई लीड मिल जाए। वैसे कांची कैसी है? अच्छी है सर, चाइल्ड केयर कमेटी फिलहाल उसकी अच्छी देखभाल कर रही है। सर, वो औरत शिखा दास जो कांची को हमारे पास लाई थी? जी हाँ सर, उसने कांची का हालचाल पूछने के लिए यहाँ 2-4 बार फ़ोन किया है, शायद वो उसको देखने गई है आज। पहचाना? ये देखो, ये मैं आपके लिए लाई हूँ, ये भी और ढेर सारे चॉकलेट्स लो, और ये सब भी आपके लिए। अच्छा ये बताइए, आपने यहाँ कोई नए दोस्त बनाए कि नहीं? कांची बेटा, अगर यहाँ आपको कोई तकलीफ हो तो बाहर वो आंटी है ना, उनसे जाके कह देना, और अगर फिर भी परेशानी हो तो कहना मुझसे बात करनी है। मेरा नाम शिखा है। जुबान से एक शब्द नहीं निकलता इसकी, लेकिन आंखें, आंखें कितनी सारी अनका ही बातें कह जाती हैं। उसकी माँ का कत्ल हुआ है ना? जी, और हो सकता है कि कांची ने कुछ देख लिया हो, शौक में हो। आप फिक्र मत करिए, यहाँ पर हम उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। अगर मैं कुछ कर सकूँ तो प्लीज प्लीज मुझे बुलाइएगा। लगता है आपको लगाव हो गया है उससे। जी। जी नहीं, ये बच्चे हमारी आंगनवाड़ी की नहीं है। सर, वो कचरा डंप का एरिया जहाँ देवकी संभाजी मोरे की लाश मिली थी, कत्ल की रात उस इलाके में तकरीबन 2000 सेलफोन एक्टिव थे। अगर देवकी ने उस रात को अपना फोन यूज किया होगा तो उसका नंबर उन 2000 नंबर्स में होगा, और अगर कांची का वो काका जो शायद देवकी का कातिल भी है उसने अपना नंबर यूज किया होगा तो उसका नंबर भी उस एरिया में रात को एक्टिव रहा होगा। लेकिन सर,
2000 नंबर्स में से ये दो नंबर कैसे निकालेंगे? सभी 2000 नंबर स्कैन करते। जानता हूँ बहुत मेहनत का काम है, लेकिन इस वक्त हमारे पास यही एक रास्ता है। निकाल लेंगे सर। स्कूल्स और आंगनवाड़ियों से क्या रिपोर्ट है? कांस्टेबल कामले 22 आंगनवाड़ियों में जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन कोशिश जारी है सर। हर मुमकिन और नामुमकिन कोशिश करते रहेंगे चितले, लेकिन उस बच्ची को अपने घर और उसकी माँ के कातिल को जेल भेज कर ही रहेंगे। पुलिस किसी भी तरह देवकी और कांची के किसी रिश्तेदार तक पहुंचने की कोशिश में थी, ताकि इस औरत और इस बच्ची की अनकही कहानी रोशनी में आ जाए। जितना जरूरी था कातिल का पकड़ा जाना, उतना ही जरूरी था बच्ची का घर लौटना। पुलिस जिन जिन ऑप्शंस को टटोल रही थी, उसमें सफलता की पॉसिबिलिटी बेहद बारीक थी, लेकिन हमेशा की तरह एक बारीक डिटेल ने इस केस को एक दिशा दी। साहब, हमें देवकी संभाजी मोरे का तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। हाँ, पर एक रेशन कार्ड का रिकॉर्ड है, जिसमें उस औरत का नाम देविका मोरे है और उस रेशन कार्ड में उसकी उम्र है 27 साल, जबकि वो कार्ड बना है 2009 में। मतलब अभी उसकी उम्र होगी लगभग 32 साल, जो कि आपकी विक्टिम की उम्र से मैच करती। और साहब, देवकी और देविका नाम में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि कभी कभार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती। तो यहाँ एक चांस है। हम चांस लेंगे। एड्रेस दो। चावड़ा तिलक चौल, बाबा नगर, बैंड्रा वेस्ट। चिटले, उम्मीद करते हैं कि वही देवकी मोरे हो जिसके परिवार को हम तलाश रहे हैं। जी हाँ सर, वैसे भी हमने अभी तक 150 के ऊपर मोरे परिवारों को कांटेक्ट किया है, पर इनमें से कोई भी देवकी संभाजी मोरे को नहीं जानता। देविका? जी नहीं, मैं किसी देविका मोरे को नहीं जानती साहिब। मेरे को इस चाली में रहते 4 साल हो गया है। देवकी मोरे? नहीं साहिब, इस नाम का तो इधर कोई नहीं रहता है। हो सकता है वो यहाँ आसपास किराए पर रहने आई और फिर राशन कार्ड बनवाया हो, या कोई और मोरे परिवार रहता है चाली में या इलाके में। पता नहीं साहिब। नहीं साहब, नहीं देखा। चितले, कामले, हमें अलग अलग हर घर में पूछताछ करनी होगी। हर घर में देविका मोरे और देवकी मोरे के बारे में पूछताछ करो। एक चांस और लेते हैं। यस सर। मुंबई की भीड़ में एक देविका मोरे को तलाशा जा रहा था। राशन कार्ड में नाम था देविका मोरे और पुलिस ढूंढ रही थी देवकी मोरे को। पुलिस की उम्मीद भी उतनी ही बारीक थी जितना बारीक फर्क इन नामों में था। फिर भी पुलिस अपनी खोज में लगी रही, लेकिन देविका मोरे तक वो पहुंच ही नहीं पाए। पर अक्सर मेहनत मेहंदी की तरह होती है, देर से पर दुरुस्त रंग जरूर लाती है। देविका मोरे की तलाश में निकली पुलिस के सामने एक ऐसी औरत आ खड़ी हुई जिसका पीड़ित देवकी संभाजी मोरे के साथ खून का रिश्ता था। ओ आजी, यहां पर कोई देविका मोरे रहती है क्या? नहीं। ये? अरे, ही तो माजी देवकी है। देवकी? आपकी देवकी? ओ रे बाबा, ही माजी देवकी है, मेरी सगी पोती। और ये? अरे, ही तो देवकी की मुलगी है कंचन, मेरी परपोती। इसको कांची भी बुलाते हैं? हाँ। चितले, सर्च कॉल ऑफ कर दो। हाँ, मुझे देवकी की दादी मिल गई। ऐसी कैसी फोटो है? ये सोई हुई तो नहीं लग रही ना? जी नहीं, सोई नहीं है, मर चुकी। 4 दिन पहले हमें इनकी लाश मिली और तब से हम इनके किसी रिश्तेदार को ढूंढ रहे थे, और आज आप हमें मिली। काय झाला है? आपके साथ रहती थी? नहीं, आखिरी बार मैं उसे 2 साल पहले मिली थी। उसका घर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, शायद मेरी बहू कविता को मालूम होगा। आप अपनी पोती और बहू के ज़्यादा नज़दीक नहीं थी? नहीं, मेरा बेटा आलोक मेरी बहू कविता से अलग हो गया था, फिर कविता ने दूसरी शादी कर ली, किसी मुस्लिम के साथ की, क्या गुलाम अली या ऐसे कुछ नाम था। देवकी ने भी शादी कर ली, तलाक भी ले लिया,
फिर उसने संभाजी मोरे से शादी की। मैं उसके पति को कभी नहीं मिली। और आपका बेटा आलोक, वो कहाँ है? पूना गया है किसी काम से। और देवकी की माँ कविता, वो अंधेरी इसमें फाजा नगर में रहती है। आपके पास कविता का नंबर है? जो बहू 7 से 16 साल पहले अलग हो गई हो, उस बहू का नंबर होगा सास के पास? ठीक है, अपने बेटे आलोक का नंबर दीजिए। गुलाम अली जी, कविता है घर पे? जी हाँ। क्या हुआ साहिब? ये आपकी बेटी हैं, देवकी संभाजी मोरे। छह साल से मेरा देवकी से कुछ लेना देना नहीं था साहब। क्यों? मेरे लाख मना करने के बावजूद उसने उस नालायक बेवड़े संभाजी से शादी कर ली थी। अपनी इकलौती बेटी को खोया है आपने, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं कि आपको कोई खास दुख हुआ है? सिर्फ सीना पीट कर आंसू बहाना, दुख कब से होने लगा? दिल तो मेरा सिसकियां ले रहा है। 6 साल से मुश्किल से 6 बार मिली मैं उससे। देव की बेटी थी मेरी, वो भी इकलौती। और आपकी इकलौती नातिन, देवकी की इकलौती बेटी, उसे सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया था शायद देवकी के कातिल ने। हम देवकी के पति संभाजी को ढूंढ रहे हैं। मैं उससे कभी मिली नहीं साहब, सिर्फ सुना है उसके बारे में। एक नंबर का बेवड़ा था, रोज दारू पीता था। मेरी बेटी की असली मौत तो उससे शादी करके ही हो गई थी। उसे मिलेगा कहाँ ये संभाजी मोरे? कहाँ मिलेगा ये तो मालिक जाने साहब, पर मेरी बेटी यही अंधेरी ईस्ट में विधि चौल में रहती थी। देवकी का कोई फोन नंबर था? हाँ है। आइए सर, बस थोड़ा ही आगे सर। साहब ये संभाजी बेवड़े का घर। संभाजी, संभाजी उठ। साहब बहुत बदबू आ रही है, इतने दारू से ना आता ही है। संभाजी चलो उठ। जल्दी बोल, तेरी पत्नी देवकी कहाँ है? बोल। मेरे को क्या मालूम, गई होगी कहीं। क्या हुआ, क्या क्या हुआ? साहब कुछ दिन पहले घर से निकल गई थी, फिर लौटी नहीं। और पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की फुर्सत तो तेरे पास होगी नहीं, क्योंकि तू तो पीने में बिजी होगा। पुलिस स्टेशन जाकर मैं अपनी इज्जत काय को उतारता साहब, उसका तो रोज का था। कुछ दिनों के लिए घर छोड़ के चली जाती थी, फिर आ जाती थी। किसके पास जाती थी देवकी? ये जानकर मैं अपना दिल खट्टा क्यों करता साहब, वैसे भी हम दोनों के बीच में सब कुछ खल्लास हो चुका था। कभी कोई काम धाम किया है जिंदगी में? हाँ सर, मैं मजदूर था, बिल्डिंग लाइन में काम करता था, लेकिन इस दारू ने साली वाट लगा डाली। और दारू के पैसे कहाँ से आते थे? देवकी से? हाँ, वो घरों में काम करती थी, उसको जब भी दारू के लिए पैसा मांगता था बहुत रो रो के देती थी, और इसी बात में हम दोनों के बीच में बहुत मचमच होता था। वो घर छोड़ के चली जाती थी, मैं भी ढूंढता नहीं था साहब उसको, जब उसका मूड करता था वापस आ जाती। इसको पहचानता है या उसके लिए भी 2 घूंट लगेंगे? कांची। पापा। सर मोहल्ले में सभी लोग संभाजी को गाली देते हैं, लोग बता रहे थे देवकी परेशान हो गई थी, रोज दारू के लिए पैसे मांगता है, दिन रात पिए रहता है। सर सर मुझे नहीं लगता संभाजी का इसमें कोई हाथ है, खुद ठीक से खड़ा नहीं हो पाता नशे में, वो किसी की जान कर लेगा। चितले हमने देवकी के सारे रिश्तेदारों को ट्रेस किया है, उसकी माँ, उसकी दादी, उसका पति संभाजी, सिर्फ उसके बाप आलोक से मिलना बाकी है। कल आ रहा है पूना से। इतने सारे लोग ट्रेस हुए हैं लेकिन किसी का भी देवकी के कत्ल से कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। जी हाँ सर, अभी तक तो नहीं। मुझे लगता है कि हमें उन सभी के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने चाहिए, वैसे भी हमारे पास उस रात के सारे फोन नंबर्स हैं जो उस कचरा डंप के एरिया में थे। करेक्ट, देवकी के सारे रिश्तेदारों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और देवकी की बॉडी संभाजी को सौंप दो क्रियाकर्म के लिए। और कांची सर? कांची को भी, संभाजी बाप है उसका सर।
उसे कहो कि चाइल्ड केयर कमेटी से कांची की कस्टडी ले ले। सर, संभाजी कह रहा है वो कांची की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। क्या? एक बच्ची को भी ढंग से संभाल नहीं सकता, क्यों? मुश्किल से तो पी पाता हूँ साहब, पहले कुछ काम धंधा ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद उसको आके ले जाऊं, तब तक आप ही लोग संभालो उसे। देवकी की माँ कविता से बात करो, कांची को एक घर की जरूरत है। यस सर। देवकी की बॉडी ले जा, उसका अंतिम संस्कार कर दे। कहीं फोकट में हो जाएगा तो कर दूंगा सर, मेरे पास तो क्वार्टर के लिए भी पैसा नहीं है। इसके साथ जाओ और देवकी का अंतिम संस्कार कर, और इसके हाथ में एक भी पैसा मत देना। समझ गया सर। चल चल रे। कविता जी, सगी नाते ने आपकी बच्ची को एक घर और प्यार की जरूरत है। सर, देवकी की माँ कविता ने भी कांची की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। वो कहती है कि जब उसने देवकी से नाता तोड़ दिया तो उसकी बच्ची के साथ नाता छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। ऊपर से उसकी अपनी जिंदगी है, उसके दूसरे पति गुलाम अली के साथ। तो कविता की सास देवकी की दादी सावित्री तांबे, उनसे पूछो। पूछा है सर। वो कहती है कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इतनी छोटी बच्ची की जिम्मेदारी वो नहीं संभाल पाएगी। और देवकी का बाप आलोक, उसने भी मना कर दिया। अभी तक उससे बात हुई नहीं है, वैसे वो कल पहुंच रहा है मुंबई। मुझे लगता है वो भी मना कर देगा। छितले, जब इंसानियत की हालत खुद इतनी पतली हो चुकी है तो खून पानी से गाढ़ा कैसे हो सकता है? साहब, देवकी मेरा खून था, सगी बेटी थी मेरी। हिल तो गया हूं साहब मैं, पर सच बोलूं मैं माँ बेटी दोनों को भुला चुका हूं। जब कविता मेरे को छोड़ के गई थी ना, तो देवकी भी उसके साथ चली गई थी। 14 साल की थी, अपनी माँ की तरह उसने भी अपने पहले पति को छोड़ दिया था और उस संभाजी बेवड़े के साथ उसने शादी कर ली थी। माँ बेटी दोनों को सही और गलत की समझ ही नहीं थी साहब। यहाँ कोई दूध का दूल्हा नहीं है आलोक तांबे। सच ये है कि तुम्हारी बेटी देवकी का कत्ल हुआ है, और कत्ल के पहले रेप भी हुआ है। किस कमीने ने उसके साथ ऐसी हरकत की साहब? जोश से कुछ नहीं होने वाला तांबे, मामला होश का है। तुम्हारी नातिन कांची, उस बेचारी ने पता नहीं क्या क्या देखा है और क्या भुगता है, उसे देखभाल की जरूरत है। साहब, मैं खुद 50 के ऊपर का हो चुका हूँ और अपनी बूढ़ी आई को संभाल रहा हूँ, अब और एक जिम्मेदारी नहीं उठा सकता साहब। एक छोटी सी बच्ची पूरे परिवार के लिए बोझ बन गई है। कांची के फादर संभाजी ने कहा था कि उसे नौकरी मिलते ही वो उसे ले जाएगा, पर ये होने से रहा। ही इज एन अल्कोहलिक। और बाकी की फैमिली? उसके नाना नानी ने भी हाथ खड़े कर दिए, और दूसरा कोई नहीं फैमिली में। तो फिर कांची यही रहेगी। आखिरकार देवकी संभाजी मोरे के परिवार वालों का पता चल गया था और किसी अपने के हाथों उसकी लाश का अंतिम संस्कार हुआ था, लेकिन उसकी 5 साल की बेटी कांची अभी तक बेघर थी। और सबसे बड़ा सवाल था कि देवकी का कातिल कौन था और उसका कत्ल क्यों हुआ। एक बात पता चली है सर। क्या कामले? सर, मोहल्ले में खुसुर फुसुर थी कि देवकी भी पीती थी। ये एक नया एंगल है। और एक एंगल है सर। कत्ल की रात को देवकी का फोन कचरा डंप पे ऑफ हुआ। उसकी फैमिली में से किसी का भी फोन उस रेंज में नहीं था, लेकिन सर एक नंबर ऐसा है जो क्राइम सीन पर एक्टिव था और जिसके साथ देवकी ने पहले भी काफी बातें की। नाम? कोई केशव वर्मा है। उस
सकता है ये केशव वर्मा ही देवकी का कातिल हो? सर कहानी में एक और ट्विस्ट है। क्या? ये कविता अली के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इस केशव वर्मा ने कविता के साथ भी काफी बातें की हैं। शंभाजी में देवकी ने क्या देखा मुझे आज तक समझ में नहीं आया साहब, और देवकी का किसी के साथ चक्कर था या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। क्या ऐसा कुछ है जो आप जानती हैं पर बता नहीं रही हैं? क्या मतलब? केशव वर्मा कौन है? केशव वर्मा? जी हाँ, केशव वर्मा। केशव तो रिक्शा चलाता है। देवकी को कैसे जानता था? मुझे नहीं पता, वो कभी कभी देवकी मुझसे आते जाते टकरा जाती थी। एक बार तो मैंने केशव से उसकी पहचान भी कराई थी। कल कब निकलोगी? इसी वक्त। क्यों पूछ रहा है तू? कल भी तो आऊंगा लेने। रोज आएगा मुझे लेने, पागल कहीं का। अरे देवकी। अरे आई, कैसी है बेटी तू? मैं ठीक हूँ, तू कशिया है? बस चल रहा है। और तू बता, वो तेरा बेवड़ा कुछ काम वाम कर रहा है या नहीं? छोड़ना आई वो सब। ये आपकी बेटी है ना कविता जी? आपसे कई बार जिक्र सुना है। हाँ केशव, ये मेरी इकलौती बेटी है देवकी। बस एक बार मिलवाया था उन दोनों को, पर उस एक बार के बाद दोनों बार बार बात करते रहे फोन पर। मिले भी जरूर होंगे। तो देवकी और केशव वर्मा का आपस में क्या कनेक्शन था ये पता लगना बाकी है, लेकिन उसकी माँ कविता का केशव वर्मा के साथ तगड़ा कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन? वही लूज कनेक्शन साहब, जो हर दूसरे केस में शॉक देता है। जब जब कविता का पति गुलाम अली काम पर जाता है, तब तब ये केशव वर्मा कविता के साथ घर पर होता है। मुझे पक्का लग रहा है कि इस केशव वर्मा का देवकी के कत्ल में हाथ है। सर, इस केशव वर्मा का एड्रेस मिल गया है। ये अंधेरी ईस्ट में अपने ताऊ सोमनाथ के साथ ही रहता था। रहता था मतलब? 13 जुलाई को अपना ऑटो बेचकर मुंबई के बाहर चला गया। दस जुलाई को देवकी का कत्ल हुआ और 13 जुलाई को केशव मुंबई से फरार हो गया। मुझे भी बड़ा अजीब लगा साहब, भला कोई अपना अच्छा खासा चलता हुआ धंधा छोड़कर मुंबई से वापस गांव लौट आए, वो भी अचानक। तुम लोगों के गांव का पता, केशव के सारे फोन नंबर्स, उसका लेटेस्ट फोटो और उसका जो कुछ भी है सब कुछ ताबड़तोड़ चाहिए। नाम केशव बलराम वर्मा है, इसकी बीवी और बच्चे छत्तीसगढ़ में हैं। केशव वहां पहुंच गया होगा। मैं इस केशव की एक तस्वीर और इसकी सारी डिटेल्स आपको फैक्स कर रहा हूं। आई कहाँ है? आई डॉक्टर पास गई है बेटा। हाँ सर, बच्ची ने पहचाना इसे, यही है वो काका जिसने काची को कहा था कि उसकी आई डॉक्टर के पास गई है। मतलब हम लोग सही ट्रैक पर हैं और केशव वर्मा की गिरफ्तारी ही इस केस को क्लोज करवाएगी। ये केशव की पत्नी बोल रही है कि केशव आया तो था लेकिन अभी अपनी बहन के घर गया। और केशव की बहन रहती कहाँ है? रायपुर में। केशव के ताऊ सोमनाथ को बुलाओ। सर। हाँ साहब, मुझे मालूम है केशव की बहन पूजा रायपुर में कहाँ रहती है। उस सब के लिए हमारे पास टाइम नहीं है वर्मा जी, आप अभी के अभी पूजा को फोन लगाइए और हमें केशव दिलाइए। साहब एक बार बताइए तो जरा, केशव ने किया क्या है? मैं वैसे ही परेशान हूँ कि उसने मुंबई क्यों छोड़ा। उसने मुंबई नहीं छोड़ा है वर्मा जी, इंसानियत को छोड़ दिया है। आपके भतीजे ने एक औरत का कत्ल किया और उसकी छोटी सी मासूम बच्ची को सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिया। अब आप अभी के अभी पूजा को फोन लगाएंगे और जैसा मैं कहता हूं वैसा ही उससे कहेंगे।
मेरा नाम ताऊ जी। खुश रहो पूजा बेटी, केशव वहाँ आया है क्या? जी ताऊ जी, 3 दिन पहले ही आया है। बेटी, केशव ने कुछ बताया उसने क्या किया है? जी ताऊ जी, उसने बताया है कि उसके हाथों कोई मर गया है और ये सब उससे घबराहट में हुआ है। ताऊ जी उसे मदद चाहिए, उसकी हालत बहुत खस्ता है। पूजा, यहाँ की पुलिस मुझे थाने ले आई है, कह रहे हैं कि जो कत्ल केशव ने किया है वो मेरे सर थोप देंगी। बेटे, केशव से कहो वो तुरंत यहाँ आके अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। जब तक उन्हें केशव नहीं मिलता है वो मुझे यही रखेंगे। केशव अगर वहाँ है तो उससे मेरी बात कराओ। ताऊ जी, फिलहाल तो केशव घर पर नहीं है, पर जैसे ही वो आएगा मैं उससे कहूंगी कि वो आपको फोन कर ले। जी प्रणाम ताऊ जी। रायपुर पुलिस को इन्फॉर्म करो, केशव कहीं बाहर नहीं गया होगा, घर में ही चुप कर बैठा होगा। यस सर। साहब, क्या आप सचमुच मुझे यही रखेंगे? जी हाँ सोमनाथ जी, जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाता हम लोग कोई चांस नहीं ले सकते। सब बहुत बड़ी गलती हो गई पूजा, और ये सब उस गोपाल की वजह से हुआ है। गोपाल को तू जानती है ना, मेरा दोस्त। केशव, माँ बाबा के जाने के बाद ताऊ जी ही हमारे लिए सब कुछ रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, मुंबई में तुम्हें संभाला, मेरी शादी भी उन्होंने ही करवाई, और वो आज हमारी वजह से मुसीबत में है। नहीं केशव, तुम आज ही मुंबई चले जाओ और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। खुद को बचाने के लिए मैं मुंबई से यहाँ भाग आया, मुझे लगा तुम मेरी मदद करोगी। मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, पर अब मामला बहुत उलझ गया है केशव, और वैसे भी गलती तुमने की है तो सजा भी तुम्हें ही मिलनी चाहिए। इसमें ताऊ जी का क्या कसूर है? केशव, तुम जितना भागोगे सजा भी उतनी ही ज्यादा होगी। केशव वर्मा ने रायपुर पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर किया और वहां से उसे मुंबई पुलिस के हवाले किया गया। उसका दोस्त और इस जुर्म में भागीदार गोपाल वर्मा भी गिरफ्तार किया गया, उसी चौल से जिसके पास देवकी की लाश पाई गई। अब एक ही सवाल गूंज रहा था कि दोनों ने देवकी संभाजी मोरे का कत्ल क्यों किया? ये गोपाल वर्मा है, इसने कुछ किया है बोल रहे हैं। अरे उस दिन हमें लाश मिली थी ना वहाँ। बाप रे, ये उसने किया है? हाँ, इस गोपाल ने अपने दोस्त के साथ मिलके उस औरत का मर्डर करके कचरे में फेंक दिया, ऐसा बोल रहे सब लोग। बाप रे, इतने दिन एक खून ही रह रहा था हमारे बीच। ले, तेरा साथी भी पकड़ा गया। केशव, हमें मालूम है कि कत्ल के पहले देवकी का रेप किया गया, फिर उसे मार डाला और उसकी बॉडी को कचरे के डंप में छोड़ दिया, फिर तूने उसकी बच्ची को सड़क पर अकेला छोड़ दिया देर रात। अब मुझे ये बताओ कि बच्ची तुम्हारे साथ कर क्या रही थी और देवकी को क्यों मार डाला? सब कुछ साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में बताना, वरना एक एक दांत एक एक उंगली तोड़ कर उगलवाऊंगा। बोलो। हम लोग बहुत डर गए थे साहब। हाँ साहब, हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। इतने ज्यादा डर गए थे कि एक औरत का रेप करके उसको मार डाला और उसकी बच्ची को रात में अकेला भटकने के लिए छोड़ दिया। साहब, देवकी की माँ कविता, उसके साथ मेरा रिश्ता था, लेकिन मैंने जब देवकी को देखा तो मुझे वो भी पसंद आ गई साहब। फिर वो दोबारा मुझे उसी बाजार में मिली, उसे मैं याद था। मैंने उसे कहा मैं उसे घर छोड़ देता हूँ, तो वो मान गई। फिर हम मिलने लगे और उसने बताया कि उसके शराबी पति के साथ उसकी जिंदगी कितनी बर्बाद हो गई है। फिर हम हर दूसरे दिन मिलने लगे, वो बहुत बातें करती, मैं सुनता, और बातों बातों में देखते देखते एक दिन हम एक हो गए साहब, हमारे बीच संबंध बन गए, और फिर उसके बाद हर रोज मिलने लगे। और कविता के साथ?
माँ बेटी दोनों के साथ चल रहा था साहब। देवकी ना तो कोई मांग करती, ना तो कोई सवाल पूछती, बस दो घूट मारे फिर ऐशी ऐश। तो मार क्यों डाला उसे? देवकी और मैं जहां जगह खाली मिली वहीं शुरू हो जाते थे। उस रात हम गोपाल के घर गए, गोपाल अकेले रहता था। देवकी ने पहले गोपाल की रसोई में कांची के लिए खिचड़ी बनाई, उसे खिलाया, फिर हम लोग पीने लगे। हम तीनों पिए जा रहे थे, कांची टीवी देखते देखते सो गई। शराब का नशा पूरा काम कर गया। मैं और देवकी दूसरे कमरे में चले गए। जिस्म का संबंध हमारे बीच की असलियत थी साहब, बस इस एक चीज के लिए हम दोनों मिलते थे, सिर्फ इस एक चीज के लिए। केशव, अगर तुझे एतराज ना हो तो मैं भी अंदर वाले शराब थोड़ा सा पी लूं। बहुत दिनों से नहीं ये किया, मन कर रहा है, जाने देना। वो मुझसे कहती कि उसका पति उसे छूता तक नहीं है, इसीलिए वो मेरे पास आती है। तो मुझे लगा अगर मैं चलता हूं तो गोपाल भी चलेगा, आदमी तो आदमी है ना। हाँ साहब, मैं पूरी तरह नशे में था, और वो भी। तू इधर क्या कर रहा है? मैं वही करने आया हूँ जो केशव करके गया है, तुझे मजा देने। केशव बोला चलता है तेरे को। ए, चल चल फुट यहाँ से, जा जा। अरे मेरी बात तो सुन। ए, बोला ना, जा हाथ मत लगा। क्या दिक्कत क्या है तेरे को? बोला ना तेरे को हाथ नहीं लगाने का। अरे नहीं, हाथ नहीं लगा, सुन तो बात मेरी। बोला ना हाथ नहीं लगाने का। अरे तू सुन तो मेरी बात। गोपाल, तूने उसका रेप किया? गोपाल वर्मा, तूने देवकी मोरे का रेप किया? पर जान से क्यों मार डाला उसे? साहब हम डर गए थे साहब। क्या? हाँ यार, वो मना कर रही थी और मैंने जबरदस्ती कर दिया। अभी कह रही है पुलिस में जाएगी वो। नहीं देख, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अरे यार, वो बार बार यही बोल रही थी, वो गाली गलौज कर रही थी। उसने कहा कि वो तुझे भी पुलिस के हवाले करेगी। सोच अगर सच में किया तो। तुझे जबरदस्ती नहीं करनी थी ना। चल छोड़ छोड़ छोड़, मैं कल सुबह उसे माफी मांग लूंगा। हाँ चल, आज सोते अब। चल चल छोड़। केशव, अगर हम सोते रह गए और वो सुबह पुलिस ले आई तो यार कहीं के नहीं रहेंगे फिर। अभी गोपाल मरवा दिया अभी तूने। केशव यार, जो हुआ सो हुआ, वो पुलिस में नहीं जानी चाहिए। अरे वो कैसे होगा? किसो, उसे दुनिया से जाना होगा। गोपाल बावड़ा हो गया क्या? सोच, अगर रेप चार्ज लग गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार। गोपाल ये क्या कर दिया बे? सबको पता चलेगा, बदनामी होगी, जेल होगी, ये सब जिंदगी खत्म हो जाएगी यार। साहब हम दोनों ने बहुत पी रखी थी, होश का एक बूंद भी नहीं था हमारे अंदर।
बस डर का भूत सवार था, मार डाला हमने देवकी को। कैसा हो यार, वो बच्ची दिमाग खराब कर रही मेरा। सोचा क्या करेगा उसका? मैं उसे कहीं लेके जाऊंगा। कहाँ? मालूम नहीं साहब, मुझे बच्चे को जान से नहीं मारना था, इसीलिए मैंने उसे सड़क पर ऐसे छोड़ दिया। बिना किसी शराब या इस झूठे डर के भी तुम दोनों ऐसा ही करते, या शायद इससे भी कुछ घटिया करते। तुम दोनों के खून में शराब का नशा नहीं है, बल्कि हैवानियत का जहर है। बहुत बुरा भुगतोगे दोनों। सेम टू सेम हालत साहब, फुल टू टून। पानी मारो। कौन? संभाजी, तेरी बेटी अभी भी चाइल्ड केयर कमेटी के पास है। तुझे अभी तक कोई काम मिला या नहीं? नहीं मिले साहब, नहीं मिले। साहब इतनी दारू पीता है, कौन इसे काम देगा? मेरा कोई भरोसा नहीं है साहब। काम मिला, बच्ची को घर पे ले आया, हफ्ते भर बाद नौकरी चली गई तो साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब। बेटी की जिम्मेदारी मुझ पर मत डालो साहब। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है साहब। जी नहीं शिखा जी, संभाजी कांची की कस्टडी लेने से मना कर रहा है, और हमें भी लगता है कि बच्ची को उसके पास भेजना गलत होगा। तो क्या कांची अनाथाश्रम जाएगी? लगता तो ऐसे ही है। अगर सड़क पर रहेगी तो या तो कोई भिखारियों की टोली उठा लेगी या फिर कोई ट्रैफिकर्स। शिखा, उस बच्ची का कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। वो बच्ची है जय, एक जिंदगी है, और बच्चों के साथ कुछ ना कुछ के बजाय क्या कुछ बहुत अच्छा नहीं हो सकता? सुषमा जी, हमारी अपनी बेटी यूके में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, और हमारी फाइनेंशियल हालत भी अच्छी है। हाँ मतलब अच्छा खासा कमा लेते हैं हम लोग, वेल ऑफ हैं। देखिए शिखा जी, जय जी, आप लोगों ने जो सुझाव दिया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन थोड़ा समय लगेगा। कांची को अडॉप्ट करना एक लीगल प्रोसीजर होगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर इम्पॉसिबल नहीं है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। जयप्रकाश और शिखा दास इस वक्त लीगल प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं ताकि वो 5 वर्षीय कांची को अपना नाम दे सकें, एक घर दे सकें, एक नई जिंदगी दे सकें। फिर एक बार साबित हुआ है कि इन बेरहम बड़े शहरों में इंसानियत और ममता अब भी जिंदा है। केशव वर्मा और उसके दोस्त गोपाल वर्मा पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के लिए, 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए, और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के चार्जेस लगाए गए हैं। दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। मुजरिमों ने डर और नशे पर अपना गुनाह थोपने की नाकाम कोशिश की। जिसे वो डर कह रहे थे वो दरअसल उनका स्वार्थ था, उनके अंदर की मरी हुई इंसानियत का सबूत था। इतनी आसानी से किसी की जान लेना और फिर एक बच्ची को इतने बड़े खतरे में डालना, ये कोई डर की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ हैवानियत की वजह से करता है। और इन दोनों को लगा कि वो कानून को मात दे पाएंगे, जो कभी नहीं होता और ना ही कभी होगा। पुलिस की भूमिका हमेशा की तरह इस केस में भी सराहनीय रही। उन्होंने बिना रुके लगातार पीड़ित औरत का बैकग्राउंड खोज निकाला, उसके परिवार वालों को ट्रेस किया, और आखिरकार दोनों मुजरिम पकड़े गए। फिर से एक बार यह साबित हुआ कि क्राइम नेवर पेज। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और याद रखें, हर उपलब्धि की पहली सीढ़ी है इच्छा करना। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।